हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करते हैं व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके क्लास ट्वेल्थ के हिसाब से भी और कंपटीशन की दृष्टि से भी, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस भी पेपर में जरूर आते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी अन्य टॉपिक्स आएंगे, जैसे मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, तो ये व्हीट स्टोन सेतु पर ही आधारित होंगे। तो ये व्हीट स्टोन सेतु है क्या? तो व्हीट स्टोन सेतु, इस सेतु का निर्माण इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने किया था, तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इस ब्रिज का नाम ही रख दिया गया है व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें होता क्या है, तो इसमें चार प्रतिरोध होते हैं, इसमें चार प्रतिरोधों को जोड़कर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे देखिए चार प्रतिरोध हमने लिए और इन चतुर्भुजों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, और ये चार प्रतिरोध हैं पी क्यू आर एस। अब इस चतुर्भुज के विकर्ण बी डी के बीच में हम एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी के टू लगा देते हैं, तथा दूसरे विकर्ण ए सी के बीच में एक सेल और कुंजी के वन जोड़ देते हैं। अब इन प्रतिरोधों को पी क्यू आर और एस को हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जब इस सेल से जब कुंजी को हम ऑन करते हैं, सबसे पहले हम कुंजी के वन को ऑन करेंगे, कुंजी के वन को ऑन करने के बाद फिर हम कुंजी के टू को ऑन करेंगे, और इसके बाद जब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी, इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से पहले से ही सेट रखें कि इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, अर्थात धारा मापी की सुई ना तो दाईं ओर ना ही बाईं ओर, धारा मापी की सुई शून्य पर ही स्थिर रहे, तो हम कहते हैं कि यह सेतु संतुलित है। और इस स्थिति में इस चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, दो संलग्न जो एडजेसेंट में हो भुजाएं, तो हमने P और Q ले लिया, ये संलग्न भुजाएं, इन दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के, दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात पी अपॉन क्यू इजिकल टू आर अपॉन एस। लेकिन और इस स्थिति में हमारा सेतु संतुलित कहलाता है। तो भैया इसमें दोबारा से हम बताते क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हम चार चतुर्भुज पी क्यू आर और एस लेते हैं, इनको जोड़कर एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया, इस चतुर्भुज के विकर्ण बी डी के बीच में धारा मापी कुंजी के टू को जोड़ा, तथा दूसरे विकर्ण ए सी के बीच में एक सेल ई और कुंजी के वन को जोड़ा। अब यदि सेल से धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात ना तो धारा इधर से बहे और ना ही धारा इधर से इधर बहे, यानी इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, तो तब उस स्थिति में यह सेतु संतुलित कहलाता है। और संतुलित सेतु की अवस्था में इसकी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि सेतु संतुलित है तो इन दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होगा, या फिर इसी को हम कहेंगे कि यदि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है तो वह सेतु संतुलित होगा। और उस स्थिति में इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच में जुड़े हुए धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। तो ये इसका व्हीट स्टोन सेतु का फॉर्मूला है। इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, मान लीजिए तो संतुलित सेतु यानी बैलेंस जब हमारा ब्रिज होगा तो उस स्थिति में इस धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा।
अब इसको यदि हमें प्रूफ करना है इस फॉर्मूले पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस को, तो हम ये मानेंगे कि इस सेल से आई धारा आ रही है, आई धारा में से अब यहां पर आकर दो रास्ते हैं, हमने माना आई वन धारा इधर गई और इस आई में से आई वन धारा इधर गई, तो इस वाले रास्ते पर आई माइनस आई वन धारा आई। फिर आई वन धारा जब यहां पहुंची बिंदु बी पर, तो फिर इस आई वन धारा के लिए दो मार्ग हैं, हमने ये मान लिया इस धारा मापी में आई जी धारा प्रवाहित होगी, इस आई वन में से आई जी धारा इधर गई तो इस क्यू में कितनी धारा जाएगी, आई वन माइनस आई जी। ये आई जी धारा यहां से आ रही है, आई माइनस आई वन धारा इधर से आ रही है, ये दोनों धारा यहां पर आकर जुड़ जाएंगी किरचॉफ के पहले नियम से, और फिर इस वाले प्रतिरोध में आई माइनस आई वन प्लस आई जी धारा प्रवाहित होगी। अब इसका यदि हम प्रूफ करें, हम बंद पास ए बी डी ए में लगाएंगे, बंद पास ए बी डी ए में, जब बंद पास ए बी डी ए में लगाएंगे तो इसमें हमने कहा आपसे किरचॉफ का जब दूसरा नियम लगाते हैं तब हमें अपने तरफ से उस बंद पास में डायरेक्शन लेनी होगी, तो हमने दिशा इधर ले ली। इसमें प्रतिरोध और उसमें संगत धारा का अनुपात, तो इसमें धारा कितनी है, आई वन इंटू पी, पी इंटू आई वन। अब ये धारा, अब इसमें आगे हमने इस धारा मापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, जी आई जी, और इस धारा मापी का हमने मान लिया प्रतिरोध जी है, तब इसमें धारा बह रही है इधर और हमने भी दिशा इधर ली है, तो इसके प्रतिरोध और धारा का गुणनफल भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस का आई वन जी, सॉरी आई जी इंटू जी, आई जी इंटू जी। और फिर अब इस ये प्रतिरोध बचा आर, इसमें धारा बह रही है आई माइनस आई वन, इस प्रतिरोध में धारा बह रही है इधर और हमने दिशा ली है इधर, तब इन दो ये दोनों अपोजिट एक्शन है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस आर इंटू आई माइनस आई वन इजिकल टू, चूंकि इस बंद पास में कोई भी सेल नहीं है तो इस बंद पास का विद्युत वाहक बल होगा जीरो। ये है किरचॉफ का दूसरा नियम। यदि आपने अभी तक किरचॉफ का दूसरा नियम नहीं पढ़ा है तो आप पहले इसके पहले वीडियो में हमने किरचॉफ के नियम के बारे में डिस्कस किया था, तो उस नियम के आधार पर हमने इसको लगाया है, तो आप उसको जरूर पढ़ लें, उसके बाद देखिएगा तब आपको यह और अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा यह समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार हम बंद पास बी सी डी बी में लें, हमने इसमें एक दिशा अपनी तरफ से लेते हैं, बंद पास बी सी डी बी में, डी बी में बंद पास बी सी डी बी में। अब इसमें देखिए इस प्रतिरोध में धारा बह रही है आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू। इसमें हमने दिशा ली है इधर और इसमें धारा बह रही है इधर, तो इन दोनों का गुणनफल प्रतिरोध और धारा का गुणनफल नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, और माइनस इस वाले धारा मापी में धारा बह रही है इधर और हमने लिया इधर, तो आई जी इंटू जी बराबर जीरो, समीकरण नंबर दो। परंतु संतुलित सेतु की अवस्था में, यदि हमारा सेतु संतुलित है, हम यहां पर इन प्रतिरोधों को, हम इस प्रतिरोध R को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि हम इस धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, तब उस स्थिति में ये सेतु हमारा संतुलित कहलाएगा। इसीलिए
संतुलित सेतु की अवस्था में आई जी इजगल टू जीरो, धारा मापी में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस आई जी की वैल्यू यहां पुट कर दें आप, तो पी इंटू आई वन, ये आई जी की वैल्यू जीरो जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जाएगा, माइनस आर आई माइनस आई वन बराबर जीरो, इसको आप इधर कर लें, पी आई वन बराबर आर इंटू आई माइनस आई वन, समीकरण नंबर तीन। दोबारा से इस आई जी की वैल्यू जीरो है, इसको हम लिख देंगे कि आई जी के मान को समीकरण एक और दो में रखने पर, तो जब आई जी की वैल्यू हम समीकरण दो में रखेंगे तो यहां से आई जी जीरो हो जाएगा क्यू इंटू आई वन, जब यहां पर आई जी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो गया, माइनस का आई माइनस आई वन इंटू एस, और आई जी जीरो है तो ये जीरो हो गया बराबर जीरो। आई माइनस आई वन को इधर ले जाएंगे, क्यू आई वन बराबर एस इंटू आई माइनस आई वन, समीकरण नंबर चार। इस समीकरण तीन में, समीकरण चार से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो देखिए P इंटू आई वन बटे Q इंटू आई वन बराबर R I माइनस आई वन अपॉन S और I माइनस आई वन, आई वन से आई वन और I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो यह है वीट स्टोन सेतु का फॉर्मूला प्रूफ करके आया है। अब देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर हम कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए हम वीट स्टोन सेतु पर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जैसे देखिए दो ओम, चार ओम, पांच ओम, तीन ओम, छह ओम, ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं ए और बी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करना है। अब देखिए यदि आप ऐसे बैक डायग्राम को देखेंगे तो आप ये नहीं सोच पाएंगे कि इसमें कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। इसके लिए फिर क्या करेंगे हम, इसको ये पॉइंट मान लिया सी और इसको लिख दिया डी, ऐसे डायग्राम का एक नया डायग्राम है, ऐसे हमने यहां ए लिया ए से, ये दो ओम का प्रतिरोध किससे जुड़ा है ए से, हमने ए से जोड़ दिया दो ओम, और इस दो ओम का दूसरा सिरा सी पर, इस तीन ओम का एक सिरा कहां पर है ए पर और दूसरा सिरा डी पर, तो एक सिरा दो ए पर और दूसरा सिरा डी पर, ये दो ए हो गया, ये ले लिया हमने। अब लेते इस पांच ओम को, इस पांच ओम का एक सिरा है सी पर और दूसरा सिरा है डी पर, तो पांच ओम का एक सिरा है सी पर और दूसरा सिरा है डी पर, ये तीनों है। इस चार ओम का एक सिरा सी पर और इस चार ओम का दूसरा सिरा है डी पर, छह ओम का एक सिरा डी पर और दूसरा सिरा है डी पर, ये है चार ओम और ये है छह ओम। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यदि आप इसमें गौर करें तो ये दो बटे चार एक बटे दो, तीन बटे छह एक बटे दो, अर्थात इस दो दो और चार का अनुपात और इस तीन और छह का अनुपात बराबर है, यानी बी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, तब इस बीच वाला प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बी का प्रतिरोध पांच ओम हो तो और ना हो तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से यहां से लगा के हाथ सेल से जोड़ दिया जाए तो इस पांच ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इसका कोई महत्व नहीं है। कब, जबकि इनके प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर है, तब इस स्थिति में जब ये बेकार है तब हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरा डायग्राम भी बनाए, ये दो ओम ये चार ओम, ये ए पर ये बी पर
भैया ये 3 ओम और ये 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम 6 ओम। आप दिखाई दे ये पिछला बिगा, तो ये दोनों तो हो गए, आपको देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, अब और ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इनका परिणामी प्रतिरोध यदि हम लें 4 और 2 श्रेणी क्रम में, इनका परिणामी प्रतिरोध 6 ओम और ये 6 और 3 ओम ये श्रेणी क्रम में है, तो इनका परिणामी 9 ओम। अब ये 6 ओम और ये 9 ओम, अब ये तो समांतर क्रम में हो गए, समांतर क्रम में इनका परिणामी यदि आप डायरेक्ट निकालें, हमने कहा था आपसे आर बराबर आर वन आर टू बटे आर वन प्लस आर टू मल्टीप्लाई कर दिए, एन एम 54 बटे और 9 6 15 तीन से जाएगा 3 और 5, अब डिवाइड कर दे तो 3.6 ओम। तो इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध 3.6 ओम होगा। तो यहां पर व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हमने इसका परिणामी प्रतिरोध निकाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां भी हमें दिखाई दे रहा व्हीटस्टोन टाइप का ही डायग्राम। तो इसमें हमने सबसे पहले हम बात देखा कि 5 और 5 अनुपात 1:1 और 5/5 1:1, अर्थात इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों प्रतिरोधों के बराबर है, जिसका यह हुआ कि बीच वाला प्रतिरोध देखा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब कोई अर्थ नहीं है तो हमने ये 5 ये 5 फिर ये 5 ये 5 इस तरह जोड़ा हमने, दूसरा डायग्राम बनाया और फिर इसके बीच में फिर एक ये 5 है, हमें ए और बी इस तरह का ये डायग्राम होगा, क्योंकि ये बीच वाला जो प्रतिरोध था ये देखा, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम और फिर ये 5 ओम। अब ये दोनों ये 5 5 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसका परिणामी आएगा 10 ओम। मान लिया इसका परिणामी हमने मान लिया R1 = 10 ओम, 5 और 5 ये भी श्रेणी क्रम में, इनका परिणामी 10 ओम। अब ये 10 ओम ये 10 ओम और ये 5 ओम ये तीनों समांतर क्रम में है, क्योंकि तीनों के ही देखिए पहले सिरे ए पर और दूसरे सिरे बी पर जुड़ रहे हैं। यदि इन तीनों का परिणामी हम निकाले समांतर क्रम में, तो आप कहेंगे 1/R = 1/10 + 1/10 + 1/5, इसके एलसीएम ले 10 1 + 1 + 2 4/10, तो आर बराबर इसको उल्टा कर देंगे 10/4 अर्थात 2.5। ये तो इस पूरे क्वेश्चन को करने का हमारा मेथड है, लेकिन यदि कहीं किसी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव करना हो ऐसे क्वेश्चनों को, बताइए आप करते कैसे कि इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, तो ये बेकार। अब जब ये बेकार हो गया तो ये 5 5 10 ये 5 5 10, अब ये 10 और ये 10 समांतर क्रम में चले हुए, अब ये भी 10 है ये भी 10 है, एक जैसे प्रतिरोध है। यदि दो एक जैसे प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका परिणामी हम सदैव उसका आधा होता है, तब ये 10 और ये 10 समांतर क्रम में है तो इनका परिणामी 5 होगा, फिर जब इस पूरे का परिणामी 5 होगा तो ये 5 और ये 5 समांतर क्रम में है, तो इसका फिर इसका पूरे का परिणामी होगा वो 5 का आधा होगा, 5 का आधा 2.5, तो डायरेक्ट का आंसर है 2.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में लिखा हुआ है कि दिया गया परिपथ संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित है व्हीटस्टोन सेतु है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। साफ साफ लिखा है इसमें कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, जब संतुलित है तो इसकी दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन यहां पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा ये दो समांतर क्रम में जुड़े हुए, इस पूरे को हमने इस पूरे का परिणामी हमने आर मान लिया है, पूरे का परिणामी आर मान लिया, तब दो संलग्न भुजा एक 3 और 1 R, 3 और R का अनुपात 5 और 10 के अनुपात के बराबर हुआ, क्यों
क्योंकि दिया हुआ संतुलित वीटस्कोण सेतु है। संतुलित वीटस्कोण सेतु में दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो लगाइए 3/r बराबर 5/10, 5 से 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो r बराबर 6 ओम। ये r 6 ओम आया, r क्या है, r है इस 9 ओम और x का परिणामी। और ये 9 और x ये आप कह रहे हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम का इन दोनों का समांतर क्रम का परिणामी है 6 ओम। तो इनका परिणामी पहले इनको समांतर क्रम में जोड़िए, 1/9 प्लस 1/6x बराबर इनका परिणामी 6 1/6। 1/9 का कर दिया है तो 1/x = 1/6 माइनस 1/9 एलसीएम 18, 6 3 18, 9 2 18, 1/18 इसको प्लट दें तो x बराबर 18 ओम, अर्थात इस x का मान 18 ओम होगा। तो इस प्रकार से यदि संतुलित वीटस्कोण सेतु दे रखा है तो आप किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और यदि आपको यह दे रखा है, आप देख रहे हैं कि दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, तो आप उस पथ का परिणामी प्रतिरोध भी याद कर सकते हैं वीटस्टोन सेतु की सहायता से। तो इस प्रकार से ये वीटस्टोन सेतु आपका कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में हम इस वीटस्टोन सेतु पर ही आधारित मीटर ब्रिज और विभव मापी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।